जब हम किसी भी चीज का ज्यादा दिनों तक यूज नहीं करते हैं तो अक्सर हम उस चीज को भूल जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा खाता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है और हम अपने मोबाइल में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन व्योम एप्लीकेशन का यूज करते हैं, लेकिन यदि हम व्योम एप्लीकेशन के अंदर ज्यादा दिनों तक लॉगिन नहीं करते हैं तो ऐसे हम उसका लॉगिन पिन भूल जाते हैं। देखिए, मैंने अपने मोबाइल में व्योम एप्लीकेशन को ओपन किया है और इसमें लॉगिन करने के दो तरीके हैं। पहला तो है 4 डिजिट लॉगिन पिन और दूसरा है फिंगरप्रिंट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग व्योम एप्लीकेशन का भूला हुआ लॉगिन पिन दोबारा से सेट करना सीखेंगे। भूले हुए लॉगिन पिन को रीसेट करने के लिए हमें इसी पे क्लिक करना है जहाँ पे लिखा है फॉरगॉट रीसेट लॉगिन पिन। इस पे हमें इस तरीके से क्लिक करना है। तो लॉगिन पिन यहाँ पे हम कई तरीके से रीसेट कर सकते हैं। पहला तो है आई हैव डेबिट कार्ड। यदि आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप यहाँ पर अपने डेबिट कार्ड का डिटेल डालकर लॉगिन पिन सेट कर सकते हैं। और दूसरा है आई हैव इंटरनेट बैंकिंग। उसके बाद है आई हैव ऑलरेडी टोकन। और लास्ट में दिया है आई हैव रजिस्टर आधार नंबर। सबसे आसान यही है आई हैव रजिस्टर आधार नंबर, ठीक है। यदि हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, केवल हमें यहाँ डालना है अपना आधार नंबर, ठीक है। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ कुछ अंक दिया हुआ है, इन तीनों में सबसे बड़ा वैल्यू वाला नंबर यहाँ पर डालना है। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो यहाँ पर रिफ्रेश करने का ऑप्शन है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गया प्लस करने का, तो 10+10 होता है 20, तो हम यहाँ डालते हैं 20, ठीक है। इतना करने के बाद सबसे नीचे लिखा है गेट OTP, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे आधार कार्ड के साथ जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP गया है, ठीक है। OTP को हमें यहाँ नीचे डालना है। इस तरीके से OTP डालकर उसके बाद सबसे नीचे दिया है सबमिट, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर 4 अंकों का लॉगिन पिन सेट करने का ऑप्शन आ चुका है। तो अपनी मनपसंद से कोई भी हम 4 अंकों का लॉगिन पिन यहाँ पे सेट कर देंगे। जो लॉगिन पिन ऊपर डालेंगे सेम वही लॉगिन पिन कन्फर्म लॉगिन पिन इसमें भी डालना है। और दोनों जगहों पे सेम लॉगिन पिन डालने के बाद सबसे नीचे लिखा है सबमिट, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा रहा है लॉगिन पिन शुड नॉट बी सेम एज योर लास्ट 2 लॉगिन पिन, यानी सेम यही लॉगिन पिन हमने पहले भी डाला था इसलिए यहाँ पे लॉगिन पिन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो लॉगिन पिन हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो दोबारा हमने यहाँ पे अलग से लॉगिन पिन डाल दिया है और इसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेसफुल लिखा आ गया और नीचे लिखा है लॉगिन पिन हैज बीन सेट सक्सेसफुली। चलिए प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। हमने जो अभी अभी लॉगिन पिन बनाया है उसी लॉगिन पिन को यहाँ पे डाल के देखते हैं कि लॉगिन होते हैं कि नहीं। तो देखिए हम यहाँ पर व्योम एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग भी व्योम एप्लीकेशन का भूला हुआ 4 अंकों का लॉगिन पिन दोबारा से सेट कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और ज्ञान वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।